गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए सुबह सुबह क्या चल रही है इनकी मस्ती। लाडो उसके वॉकर पे पीछे से लठक छा रही है और वो लेके जा रहा है, और काफ़ी देर से यही चल रहा है। ये एक पार्सल रिसीव हुआ है मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही, और ये है गद्दे का एक टॉपर। असल में मेरा जो गद्दा मैंने मंगाया था उसके ऊपर लगाने के लिए ये मंगाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुलायम था, तो हमने उसके लिए करा था कंप्लेन, तो ये आया हुआ है। और इसको लगा के देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और देख रहे हैं आप, सिवान उससे ज़्यादा एक्साइटेड है कि कैसे खोलना है और क्या निकलेगा इसमें से। तो फ्रेंड्स, इसको ये कुछ इस तरह से है। पैकिंग बहुत अच्छी आई थी, और अच्छी पैकिंग रहती है, तो सामान भी सुरक्षित रहता है। और देखिए मैंने इसको खोल लिया है, काफ़ी मशक्कत लगी है। बाद में मैंने सिवाज को नीचे उतार दिया क्योंकि नहीं हो पा रहा था एक हाथ से, तो मैंने खोला तो ये कुछ इस तरह से निकला है। मुझे लगा था जैसे गद्दा था इसका वो उस टाइप से होगा जैसे गद्दा था, पैकिंग खुलने के बाद एकदम से वो फूल गया था, पर ये पहले से था ऐसे। इसका कुछ नहीं था कि नहीं ये सिकुड़ा हुआ है या फिर ऐसे फूल के फिर बन जाएगा टॉपर। मुझे लगा था कि वैसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। लेकिन इसको लगा, इसके बाद मैंने महादेव को बोला तो वो करने लगा। बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ आता है नई चीज़ें। तो इसके नीचे एक स्ट्रिप लगी हुई थी इलास्टिक जैसी, तो वो बड़े आराम से ये फिट भी हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं एक, और मैंने लंच कर लिया है, और इस वाले बेड पर मैं आके लेती हूँ जिसपे मैंने ये टॉपर लगाया था। असल ये एक गद्दा ऑर्डर करा था क्योंकि इनको बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं किया, इनका बैक पेन और बढ़ गया था। तो हमने उसको रिटर्न करने के लिए सोचा क्योंकि काफ़ी महंगा गद्दा था, तो हमने सोचा रिटर्न हो जाएगा तो फिर हम कोई और गद्दा लेंगे। लेकिन वो बोले कि ये कस्टमाइज साइज़ थी, हम लोगों ने अपने बेड के हिसाब से बनवाई थी, इस वजह से रिटर्न नहीं हुआ। और वो एक जैसे नॉर्मल साइज़ होती तो वो रिटर्न हो जाता, तो उन्होंने कहा कि एक टॉपर इसमें का मिलेगा आपको, अगर आप गद्दे को और ज़्यादा मुलायम करना चाहते हो या फिर और ज़्यादा सख्त करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो वो वही आज रिसीव हुआ है टॉपर, तो इससे थोड़ा सा तो मुझे सख्त हुआ है ये गद्दा। बहुत ज़्यादा नरम गद्दे जो होते हैं वो भी बैक पेन का कारण होता है, उस वजह से भी तो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए बिस्तर। ये वाला गद्दा अब इसके लगने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, देखते हैं अब बैक पेन होता है या नहीं, ये तो यूज करने के बाद पता चलेगा कुछ दिन। जैसा भी होगा मैं बताऊंगी आपको। और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि गद्दा ये आता ही है बैक पेन के लिए या फिर ये वर्क करता होगा इसलिए तो ये इतना फेमस है, बट कोई बात नहीं, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ रामार के पास। दोनों बच्चे सो गए हैं और दोनों को मैंने अलग अलग रूम में सुला दिया ताकि एक की वजह से दूसरा ना उठे। तो अब मैं भी उसके पास जाकर थोड़ी देर सोऊंगी, उसके बाद मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद। और इस समय बज रहे हैं शाम के 4, हल्की हल्की धूप है अभी, बहुत ज़्यादा नहीं है पर हल्की हल्की है। और मैंने जो कपड़े धुले थे अब मैं इनको बाहर डाल दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, अगर अंदर डालूंगी तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैं पहले कुछ कपड़े बाहर डाल दे रही हूँ और जो बचेंगे उसको मैं अंदर डालूंगी। तो अभी धूप लग रही, हो सकता है रात तक ये सूख भी जाए क्योंकि मशीन में सूखे हुए हैं, तो मैं एक बार पूरा डाल लूँ। और इस समय रामार्थ उठा हुआ है, सिवार्थ सोया है, तो रामार्थ को मैंने महादेव को दे दिया है, वो उसके पास खेल रहा है। असल में किसी न किसी को रहना पड़ता है, कोई ना कोई महादेव या फिर कोई भी रहे। और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा सूजी का, तो वो लोग अगर मन होगा तो खा लेंगे। वैसे सो के उठते हैं तो मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ बना ही दूँ ताकि ये लोग खा लें। और दूध पीने से अभी इनको केवल दूध पीने से इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी जितनी इनको चाहिए होती है इस एज पे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार बनाऊँ, सुबह अलग दोपहर में अलग। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार बना के रखती हूँ कि दो बार उसको मैं खिला दूँ बच्चों को। अभी मैं फ्रेंड्स हूँ किचन में और बच्चों के लिए बना रही हूँ वही हलवा सूजी का, और साथ साथ आई है गर्मा गर्म जलेबी, तो वो मैं निकाल देती सबके लिए।
देख रहे हो आप मेरे चेहरे की खुशी जलेबी को देख के कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं इनको लेके आई हूँ बाहर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको यहीं खाना भी खिलाया था, क्योंकि आज गर्मी बहुत है और एसी ख़राब हो गया है। तो वैसे मैं एसी पूरे रात तो नहीं चलाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जब तक सो नहीं जाती हूँ, सोने के पहले बंद कर देती हूँ। तो बड़ा उमस जैसा हो रहा था तो मैं बाहर ही इनको खाना खिलाई हूँ। और अभी देखिए कैसे ये देख रहे हैं, एक बार मुझे देख रहे हैं, एक बार कैमरा देख रहे हैं। तो देखिए अब लेके इनको थोड़ी देर, यही करीबन 10 मिनट हो गया होगा इनको लेके बैठे हुए। और खाना सब लोगों ने खा लिया है, और आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े निकल गए थे। हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, कम रहता है। तो देखिए कैसे ये देख रहे हैं, और इनको पता नहीं क्या आदत लगी है, ऐसे गोदी में रहते रहते ऐसे चढ़ते हैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। इनको ये लगता है मैं सीढ़ी हूँ। ये देखिए अभी कैसे चढ़ के जा रहे हैं ऊपर गाड़ी के पास, पता नहीं क्या इनको चाहिए। तो फ्रेंड्स यही है हालचाल। और आज छुट्टी थी महादेव की, कल उसका स्कूल रहेगा। वैसे अभी वो सोया नहीं है, जाग रहे हैं सारे बच्चे। अब मैं इनको जा रही हूँ उनके पापा को देके, रामांत को लेके आऊँगी 10 मिनट के लिए, उसको भी थोड़ा घुमा दूँगी। उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी सोने। चाची नहीं आई हैं आज, और हो सकता है कल भी नहीं आए, क्योंकि वो जाने के लिए बोल रही थी वहाँ बागेश्वर धाम, वहाँ दर्शन वगैरह करने। तो घर का काम भी करना है और महादेव के लिए सुबह लंच भी बनाना रहता है। तो मैं मिलूंगी आपसे मैं अब कल एक नए वीडियो में। तब तक देखिए कितने ये मन से मेरा मुंह और बाल नोचे जा रहे हैं। वैसे ये तो सहूलियत करता रहा, वहाँ तो बहुत तेज़ी नोचता है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज ट्विंस बेबी मॉम इन वाराणसी। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, हर हर महादेव।